तो गुरु जैसा कि तुम लोग जानते हो कि एस कैसे हमने फाइनली लियोन को हरा दिया है एंड वो बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन। तो ये जानकर तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना एंड कमेंट में #SKSM जरूर लिखना। एनीवेज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 132 यानी कि एस वर्सेस लियोन का फाइनल बैटल के बारे में कि आखिर ये बैटल कैसा था, मुझे एपिसोड कैसा लगा है। इसीलिए ये छोटा सा रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग में तो एस का जितना इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि लियोन के पास दो पोकेमोन थे, एक उसका सिंड्रेस और दूसरा उसका चारिज़ार्ड, और वही एस के पास सिर्फ उसका पिकाचू ही था। लेकिन पिकाचू ने साबित कर दिया कि उससे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन और कोई नहीं है। उसने अपने लाइफ में जितना भी ट्रेनिंग किया है वो हमें आज देखने को मिला है कि कैसे उसने बैटल में सिंड्रेस को हरा दिया और फिर चारिज़ार्ड के साथ पिकाचू का 1v1 फाइट हुआ, जो ये देखकर मज़ा आ गया। वेल इस बैटल में चारिज़ार्ड और पिकाचू एक दूसरे को काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहे होते हैं, जहाँ दोनों की अटैक एक दूसरे से टकरा रही होती है तो एक दूसरे को काउंटर दे रहे होते हैं। लेकिन एंड में लियोन के चार्जर के अटैक की वजह से पिकाचू ज़मीन पर गिर जाता है और वो एक तरह से बेहोश हो रहा होता है। तो सभी को लगने लगता है कि शायद अब पिकाचू हार जाएगा। लेकिन तभी पिकाचू को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ इसके सारे के सारे पोकेमोन को दिखाया जाता है और वो पिकाचू को हौसला देते हैं। वेल ट्रू फ्रेंडशिप की वजह से पिकाचू दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसका जो पावर था वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। वो एकदम सुपर सैयन की तरह लग रहा था एंड फिर वो चार्जर को इतना गंदा तरह से मारता है कि चार्जर दोबारा उठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से पिकाचू ये बैटल जीत जाता है। वेल लियोन का जो रिकॉर्ड था अनडिफिटेबल का वो फाइनली टूट चुका है। अगर तुम्हें नहीं बताया तो मैं तुम्हें बता दूँ कि लियोन एक ऐसा ट्रेनर है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है, बट फाइनली एश ने लियोन को हरा दिया है एंड उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंड अब एश बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन एंड उसके हाथ आ चुकी है वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी। एंड इस एपिसोड में हमें एस के लगभग सारे के सारे फ्रेंड्स के कैमियोज दिखाए गए हैं, जैसे कि सरीना, मे, मिस्टी, ब्रॉक, साइलेंट और भी ऐसे कई सारे एस के फ्रेंड्स हैं जिनके कैमियोज हमें दिखाए गए हैं एंड हर कोई एस का ही बैटल देख रहा था। सो अगर बात करें एपिसोड के बारे में तो मुझे ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस एपिसोड की एनिमेशन, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका फाइटिंग सीन्स, हर एक चीज़ एकदम बारीकी से बनाया गया है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड अगर बात करें पिकाचू के फ्लैशबैक के बारे में तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था एंड इस एपिसोड का हर एक फाइटिंग सीन्स मुझे गूज़बम्प्स दिला रहा था। वेल इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि एस वर्सेस लियोन की जो ये बैटल थी ये पोकेमोन सीरीज की अब तक का बेस्ट बैटल थी। एनीवेज मैं इस एपिसोड को 10/10 देना चाहूँगा। तो आप लोग इस एपिसोड को कितना रेट करोगे एंड आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।